तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बर्ड शो में आ गए हैं। मेरे सारे बर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है। एक बार व्यू मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। और इस टाइम सारे बर्ड्स मेरे बर्ड शो में है। तो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का आसनसोल सिटी में स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन त्यौहार में, मतलब बर्थडे का सेलिब्रेशन में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब जान लीजिए कि मेरा बर्ड्स भी आया होगा, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और ऐसे भी स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद लेके मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। और उधर ही ठीक उल्टा तरफ उधर ही सबसे पहले मेरा स्टॉल है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का कलेक्शन आप देख लीजिए, ठीक है। और पहले मैं बता देता हूँ ये एक ब्लॉग टाइप का आएगा, इसके बाद सीधा मैं अपना स्टॉल पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो है ऐसे बहुत चीज़, लेकिन पहले मैं आपका स्टॉल दिखाता हूँ। आइए फ्रेंड्स, अभी मेरा बर्ड्स का स्टॉल के पास चलते हैं। और फ्रेंड्स अभी आगे मेरा पीछे मेरे देख सकते हैं मेरा बर्ड्स का पूरा सेटअप लगा हुआ। मेरे पास जितने बर्ड्स हैं सब मैंने यहाँ पे सेटअप लगा दिया, देखिए बर्ड शो के लिए। और एक के बाद एक सारे बर्ड्स मेरा यहाँ पे अच्छे अच्छे जितना बर्ड्स हो सके मुझसे मैं दे पाऊँ वो उतना बर्ड्स मैं देने का कोशिश किया हूँ। और लगभग सुबह से काफ़ी अच्छा रिएक्शन, काफ़ी अच्छा हम लोग का दर्शक का काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है हम लोग का स्टॉल को, मतलब हम लोग का बर्ड्स देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से आदमी लोग आ रहे हैं, बहुत आदमी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो उनसे कुछ बात भी करेंगे, पहले आपको मेला भी एक बार घुमा देते हैं और क्या क्या इसमें हुआ है। और अभी यहाँ पे हाथ से बनाया गया कुछ सारे तरह क्रिएशन, क्रिएटिव आर्ट आप लोग देख सकते हैं। आइए आपने भी भैया से बात कर लेते, ये सब जितना क्रिएटिव आर्ट है सब इन्हीं का है, ठीक है। और आपका नाम भैया जी? मैं संजीव माझी। संजीव माझी भैया का नाम है। तो ये सब भैया ने अपना हाथ से खुद ही बनाया है। और आसनसोल का भी भैया भी आसनसोल का रहने वाला है, मैं भी जैसा अपने बर्ड फ्लावर मैं भी आसनसोल का रहने हूँ। उसी तरह आसनसोल में बहुत सारे टैलेंटेड आदमी है, उनसे भी मिलिए, आपका नंबर दे दीजिए आपको, मतलब कोई अगर कॉन्टेक्ट करना चाहिए आप इस तरह का थीम के लिए तो आप बनाएंगे तो? नंबर दिया हुआ मेरा। अच्छा, इनका नंबर दिया हुआ, नंबर ले लो। काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे के बाद एक, मतलब बहुत सारे इसमें क्रिएटिव आर्ट आप लोग देख सकते हैं। आइए देखिए, आपका थिंग वाइज है, जैसे आपका ये वाला छोटी दाप होता है। अच्छा है, हाँ, पहले जमाने में जो हस्बैंड मर जाता था वाइफ को जला जाता था, उसी का एक छोटा सा थीम है। ओके, आज जो आपका नील को जो चाची था उसके ऊपर जो जुलम करता था, अच्छा उसी का ऊपर थीम है। अच्छा, ये जबरदस्ती करवाता था जी, जो ना करता उसको मारता था, पीटता था। अच्छा अच्छा, और ये आपका जो है स्वदेशी मूवमेंट है, जो अच्छा। आपका अपना देश में जो उत्पादन करेगा अपना ही सुविधा भाग देंगे, मतलब विदेश का जो सामान है उसको जला देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब हम ही लोग का जो हम लोग का जो उत्पादन करेंगे करें, वो चीज़ हम लोग यूज करेंगे। जैसे गांधी जी चौर का चला सूता बना रहा है, अच्छा जी, कपड़ा बनाएंगे, ओके, धान चास करेंगे। अच्छा अच्छा, अपना देश यहाँ पे देखिए धान चास करने का कितना अच्छा, मतलब थीम बना गया है। खाने के लिए आप खुद निर्भर होगा जी जी जी। और इसके बाद ये कमार, जो कमार है अपना लोहार का, मिट्टी का जो, अच्छा अच्छा, जो लोहार का बनाएगा और वो मिट्टी का, मिट्टी का बनाएगा। गांधी जी तो आपको जो है सूता बनाते थे कपड़ा बनाने के लिए, कपड़ा बनाएगा कॉटन के लिए। और इसके बाद आपको जो खुदीराम का जो फांसी हुआ था जी, बहुत ही दर्दनाक फांसी हुआ था, बहुत ही अच्छा। हाँ, सबसे बेस्ट थीम अभी का मुझे यही लगा, सबसे बेस्ट थीम ये तो सबको, मतलब अच्छा, ये सब भैया अपने अपने हाथ से खुद से सब कुछ मैकेनिकल, सब कोई मॉडल पर सब अपने बनाते हैं। वाह भैया से एक बार देखिए, मतलब अपने हाथ से सारा चीज भैया ने डेकोरेशन करके रेडी किया है। और सारा चीज देखिए मूविंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के रख दिया, मूविंग जो सारा मूविंग है, क्रिएट कर रहा है, एक थीम जो क्रिएट कर रहा है, क्रिएट किया है जी। इसके बाद ये नेताजी सुभाष, अच्छा सुभाष, वाह, घोड़े पे जा रहे नेताजी, ठीक है, आज़ादी के लिए। उसके बाद आपका जो है एक तो मर्मान्तिक घटना घटाया था अमृतसर में, पंजाब में, जलियांवाला बाग बांध करके गिने लोग गोली मारा थे जी, जी, उसी का एक थीम यहाँ पे बनाया था, कुआं में जाप दिया था, गोली चार आदमी मर गया था। वाह बहुत ही अच्छा, ये सब काफ़ी बड़ा, ये थीम सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये भैया अपने हाथ से खुद बनाया है, तो कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा आप लोग को भी, अगर ऐसे थीम का कुछ भी बनाना है, जैसे कुछ भी पेंडल वगैरह में या कुछ भी अपने घर में कुछ भी बनाना है, तो आप लोग भैया से जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको भैया एकदम बना के दे देंगे, ठीक है। अच्छा थीम यहाँ पे बना हुआ, थैंक यू भैया, थैंक यू आप लोग का चैनल का बहुत। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ सारे बत्तख भी है, ठीक है, राजहंस जिसको बोलते हैं बंगाली में। और यहाँ पे देख सकती है कुछ सारे राजहंस भी हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल।
और आइए इसके बाद इस शो के सबसे आकर्षणीय जगह पे हम लोग को लेके चलते हैं। आइए, यहाँ पे अभी बॉडी बिल्डिंग शो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बाद मेरा एक बार स्टॉल देख लीजिए, अभी भीड़ काफी लग रहा है। ठीक है, मेरे स्टॉल के पास काफी ज्यादा आदमी यहाँ पे भीड़ लग रहा है। अभी तो ठंड, मतलब रात बहुत हो चुका है, वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए भीड़ कम हो गया, नहीं तो शाम से काफ़ी ज़्यादा बिजी था सबसे बात करने के लिए, इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, और अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो इसीलिए वीडियो शूट करके आप लोगों को सब शेयर कर रहा हूँ। तो आइए एक बार ये भी दिखा देता हूँ बॉडी बिल्डिंग से। और इसके बाद हम लोग अभी एक आर्ट गैलरी में आ गए, आर्ट रूम, जहाँ पे आर्ट का कुछ सारा एग्जीबिशन किया हुआ, कुछ सारे स्टूडेंट का एग्जीबिशन है, तो उनका जो सर है उनसे हम लोग बात करेंगे। तो आपका नाम बोलिए। मेरा नाम रूपक दे है। अच्छा, हेलो। और ये सारा आप ही का स्टूडेंट का बना है? तो आप भी आसनसोल के रहने वाले? आसनसोल। तो आप इतना अच्छा अच्छा आर्ट भी इन्हीं का छोटा छोटा स्टूडेंट ने किया है, कब कितना छोटा होगा सर? 7, 8, 9, 10 बताइए। 7, 8, 9, 10 का ये स्टूडेंट लोग का ये हाथ का मतलब आर्ट है, इतना खूबसूरत ये कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और इधर भी मैं कुछ देख सकता हूँ, रियल मतलब क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है सर ये? क्या चीज़? ये टेराकोटा है। अच्छा, ये टेराकोटा का व्हाइट सीमेंट से बना हुआ है। व्हाइट शीट सीमेंट से बना हुआ है। मिट्टी का है ये? मिट्टी का। पानी लगेगा तो नहीं गलेगा? नहीं गलेगा। टेराकोटा भी नहीं गलेगा, शायद गल जाए। ये शायद गलेगा, सिर्फ ये दोनों नहीं गलेगा। मतलब जो अगर स्टैचू वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपसे कॉन्टेक्ट करने पर ये स्टैचू भी बन जाएगा। वाओ। तो आप लोग मतलब सर का एक नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो में, ठीक है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ भी एक स्टैचू आप बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा आपके घर में। तो ये सर आपने खुद ही रेडी किया, आपका स्टूडेंट? मैंने स्टूडेंट रेडी, आप ही का स्टूडेंट रेडी किया। मतलब सोचिए ये इसका कितना उम्र होगा जो रेडी? फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, मतलब लगभग वही 20-21 साल का। इतना अच्छा ये आर्ट मतलब हाथ का आर्ट, ये सब भी सब छोटे छोटे स्टूडेंट ने रेडी किया। ये तो क्लास 9 में पढ़ता है, उसका घर ये रॉट व्हीलर जो बना है, ठीक है, क्लास 9 में पढ़ता है, मेरे घर में रॉट व्हीलर है। देखिए तो कितना अच्छा ड्राइंग किया है, काफ़ी अच्छा लगा सर का ये अच्छा एग्जीबिशन। और वो ये किसने ये वाला पेंटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्कल्पचर बनाया? अच्छा, वही बनाया ये वाला पेंटिंग। ये कौन सा क्लास में पढ़ता है जो बनाया? फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा आर्ट गैलरी हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने सर से अभी कांटेक्ट कर लिया है, ठीक है, मेरा एवरी में कुछ सारा पेंटिंग बनाना है मेरा बर्ड्स का साथ मेरा, ठीक है। तो सर के लिए इसलिए मैंने कांटेक्ट कर लिया पहले से, बनाएंगे उसके बाद तो सर से बहुत सारा बात होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। हाँ, अगर सर से कांटेक्ट करना चाहेंगे, सर सिखाता भी है आप आसनसोल में, आप इसका टीचिंग भी करते हैं, ठीक है। तो आपका नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहाँ से सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी सारा पेंटिंग आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बर्ड्स में। मतलब आसनसोल का सब पब्लिक तो नहीं पता था इतना, यहाँ पे इतना अच्छा बर्ड रहता है, ठीक है। तो आसनसोल का जितना मेंबर्स है, मतलब उन्होंने तो सब यही बात बोल रहे हैं कि मैकाओ मैंने सामने से कभी नहीं देखा था, आज पहले बार देख रहा हूँ डिस्कवरी के बाद, आज पहले बार मैकाओ सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा। फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम, मतलब रात हो गया है काफ़ी ज़्यादा, 9:30 बज रहा लगभग। तो अभी सब बर्ड्स को हैंड फीडिंग देने का टाइम हो गया, तो इसीलिए देखिए सब बर्ड्स को अभी हैंड फीडिंग दे देते हैं, क्योंकि सुबह से तो अच्छा से खाया है लेकिन फिर भी एक बार हैंड फीडिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी सब बर्ड्स का हम हैंड फीडिंग रेडी कर रहे हैं, इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। अभी घर से प्लक्स में गर्म पानी लेके आए थे और अभी हैंड फीडिंग इसका रेडी कर रहे हैं। और अभी देखिए हैंड फीडिंग खाने के लिए मिमी कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। फ्रेंड्स, मिमी का डांस देखे, हैंड फीडिंग देख के काफ़ी अच्छे से डांस करना शुरू कर दिया है। और अभी चेक कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अभी थोड़ा सा और ठंडा करने होगा। ये सबसे पहले थोड़ा सा मिमी को ही खिला देते हैं। तो ये फ्रेंड्स, मिमी का अभी डांस चालू हो गया हैंड फीडिंग लेने के लिए। आस्ते आस्ते मैं पूरा स्क्रीन देख रही खा लिया। और अभी ग्रे पैरोट भी हैंड फीडिंग लेने के लिए, अभी नेक्स्ट बार एक ग्रे पैरोट का।
उसके बाद हम लोग का ब्लू फॉन्टेड अमेजॉन पीछे एक बार देखिए, काफ़ी ज़्यादा दर्शक भी रेडियो देखने के लिए सब देख रहे हैं कैसे मैं हैंड प्रिंटिंग करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंगो का बारी है, सीधा मैंगो के पास चलते हैं। एक सीरीज में मैंगो का कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए दूसरा सीरीज मैंगो के लिए। और गाला को तो बाटी में देने होगा, ये तो खाता नहीं ऐसे। ठीक है, आज का वीडियो इसी के साथ हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।